एक नई रेल यात्रा में आप सभी का स्वागत है और आज हम मौजूद हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लखनऊ डिवीजन के सीतापुर जंक्शन पर। अगर हम बात करें सीतापुर जंक्शन की तो ये रोजा बुड़वल सेक्शन के बीच एक बड़ा स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से चार अलग अलग दिशाओं में ट्रेन जाती हैं, जिसमें सीतापुर रोजा लाइन, सीतापुर बुड़वल लाइन, सीतापुर मैलानी लाइन और सीतापुर लखनऊ लाइन शामिल है। एक समय ऐसा था जब ये पूरा का पूरा मीटर गेज यानी छोटी लाइन का हब हुआ करता था और उस समय यहाँ से लंबी दूरी की छोटी लाइन की एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन्स होकर गुजरा करती थी। लेकिन अब यहाँ पर छोटी लाइन का अस्तित्व खत्म हो चुका है, अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ बड़ी लाइन की ट्रेन्स ही आती हैं। और यहाँ पर सीतापुर के दो स्टेशन हैं और इनमें से एक बड़ा स्टेशन है सीतापुर जंक्शन और दूसरा स्टेशन है सीतापुर सिटी जंक्शन, जो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन आज हम यात्रा करेंगे सीतापुर जंक्शन से बुड़वल जंक्शन तक। इस बीच हम नज़र डालेंगे सीतापुर से बुड़वल के बीच चल रहे डबलिंग के कार्यों पर, क्योंकि रोजा बुड़वल लाइन अब एंड टू एंड सिंगल लाइन से डबल लाइन होने वाली है। सामने दिख रही ट्रेन है अमृतसर गोरखपुर स्पेशल और इसी ट्रेन के 3rd AC कोच में आज हम अपनी यात्रा करने वाले हैं और अभी हमारे मित्र आयुष कुमार प्रजापति भी यहाँ पर आने वाले हैं। ये रहा हमारा कोच, चलिए अब फटाफट इस ट्रेन के कोच में चलते हैं। अब हमारी ट्रेन सीतापुर जंक्शन से डिपार्ट कर चुकी है और यहाँ पर फिलहाल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें से 5 प्लेटफॉर्म्स ऑपरेशनल हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 6 बहुत जल्द ऑपरेशनल हो जाएगा। सीतापुर जंक्शन से 6 जोड़ी ट्रेन्स बनकर चलती हैं और 6 ट्रेन्स यहाँ से टर्मिनेट हो जाती हैं। अगर हम बात करें और ट्रेन्स की तो यहाँ से सीतापुर से गोरखपुर के लिए 15 ट्रेन्स हैं, जिसमें 4 जनसाधारण और 1 अंत्योदय एक्सप्रेस जैसी ट्रेन्स शामिल हैं और बाकी वीकली एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं। 5 ट्रेन्स यहाँ से लखनऊ के लिए चलती हैं। मैलानी के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेन्स यहाँ से रवाना होती हैं और मुरादाबाद की दिशा में 15 ट्रेन्स यहाँ से जाती हैं, जिसमें ज़्यादातर ट्रेन्स वीकली ट्रेन्स हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन किस लाइन पर जाने वाली है। भारत इस समय अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, ऐसे में अपने तिरंगे झंडे को शान से लहराते हुए देखना काफी प्राउड फीलिंग करवाता है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलकर दाएं तरफ एक सिंगल लाइन इटौंजा सिधौली डालीगंज होते हुए लखनऊ की ओर निकल जाएगी। पहले वहाँ पर छोटी लाइन की ट्रेन्स जाया करती थी, लेकिन अब गेज कन्वर्जन के बाद वहाँ पर बड़ी लाइन की ट्रेन्स ही जाती हैं और हमारी ट्रेन सीतापुर बुड़वल लाइन पर स्विच कर चुकी है। आप इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कॉमेंट करके अपनी लोकेशन जरूर बताएं, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, तभी तो आपका पता चलेगा कि हमारा नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है। अगर हम बात करें बुड़वल जंक्शन की तो लखनऊ गोरखपुर मेन लाइन पर बुड़वल जंक्शन स्टेशन है और बुड़वल जंक्शन से ही सीतापुर वाली लाइन अलग होती है, जो आगे चलकर लखनऊ मुरादाबाद लाइन के रोजा जंक्शन पर आकर मिलती है। इस तरह ये 180 किलोमीटर लंबी लाइन लखनऊ मुरादाबाद मेन लाइन को लखनऊ गोरखपुर मेन लाइन से जोड़ती है और गोरखपुर जाने वाली मोस्ट ऑफ मालगाड़ियाँ इसी लाइन से होकर गुजरती हैं। काफ़ी भूख लगी थी और सीतापुर के रहने वाले मेरे परम मित्र आयुष कुमार प्रजापति ने हमारे लिए ब्रेकफास्ट अरेंज कर दिया था और फिर वो जा चुके थे क्योंकि ट्रेन डिपार्ट कर चुकी थी। मुझे इस ट्रेन में विंडो सीट मिली हुई थी, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी विंडो सीट का जहाँ पर आपको नज़ारे साफ साफ ना दिखाई दें, इसलिए वीडियो शूट करने के लिए मुझे बार बार दरवाजे पर ही जाना पड़ रहा था। चलिए अब आयुष भाई के लाइव इस ब्रेकफास्ट को इन्जॉय करते हैं और थैंक्स अगेन आयुष भाई फॉर दिस लवली एंड डिलीशियस ब्रेकफास्ट। इस बीच काफ़ी छोटे बड़े स्टेशन से हमारी ट्रेन होकर गुजरने वाली है, लेकिन हर स्टेशन को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है और बुड़वल जंक्शन यहाँ से 97 किलोमीटर की दूरी पर है। इस 97 किलोमीटर के हिस्से में 47 किलोमीटर सीतापुर से सरैया के बीच डबलिंग का काम पूरा हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ सरैया स्टेशन से बुड़वल जंक्शन के बीच 50 किलोमीटर के हिस्से में डबलिंग का काम किया जाना है।
सामने डबल लाइन पर एक मालगाड़ी आ रही है। सरैया स्टेशन से आगे अब डबलिंग का काम थोड़ा गति पर है, लेकिन यहाँ पर डबल लाइन अभी चालू नहीं है। हमारी ट्रेन अब बुढ़वल जंक्शन पहुंचने वाली है। यहां से ट्रेन अब एक बहुत बड़े कर्व से रेंगते हुए आगे पहुंचती है और डबलिंग के लिए यहां पर एक नया अलाइनमेंट तैयार किया गया है। बाएं तरफ डबलिंग का अलाइनमेंट देखा जा सकता है। यहां पर हमारी मुलाकात होगी लखनऊ गोरखपुर मेन लाइन से, और दाएँ तरफ से लखनऊ गोरखपुर मेन लाइन आ रही है जिसे अभी हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर इतना बड़ा कर्व है कि आप अगर अपने कोच के दरवाजे पर खड़े हों तो आप ट्रेन के लोकोमोटिव से लेकर ट्रेन के सबसे आखिरी के कोच को भी देख सकते हैं। दाएं तरफ गोरखपुर लखनऊ मेन लाइन यहाँ पर आकर मिल रही है। धीरे धीरे अब हमारी ट्रेन बुढ़वल जंक्शन पर पहुंचने वाली है और डबलिंग के लिए यहां पर तमाम काम देखे जा सकते हैं। बुढ़वल जंक्शन पर अभी नए प्लेटफॉर्म्स भी बनाए जा रहे हैं और बुढ़वल से गोंडा जंक्शन के बीच थर्ड लाइन बिछाने का काम भी शुरू किया जा चुका है। अभी भी हमारी ट्रेन कर्व पर ही रेंग रही है। इस रूट पर बुढ़वल जंक्शन एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है, लेकिन काफ़ी एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन्स यहाँ पर नहीं रुकती, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ पर रुक रही है क्योंकि स्पेशल ट्रेन है और इसको यहाँ पर स्टॉपेज दिया गया है। मगर आप यहाँ देखें तो बुढ़वल जंक्शन का ये प्लेटफॉर्म लो लेवल का प्लेटफॉर्म है, लेकिन नए प्लेटफॉर्म्स हाई लेवल के बन रहे हैं।
हमारी ट्रेन बुढ़वल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रुक रही है और बुढ़वल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 लो लेवल के प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन दाएं तरफ अभी हाई लेवल के प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं और ये नए प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 हो सकते हैं। डबलिंग के बाद सीधी सी बात है, यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स भी बढ़ जाएंगे और क्योंकि सीतापुर से बुढ़वल डबल लाइन और बुढ़वल से गोंडा जंक्शन के बीच अब ट्रिपल लाइन होगी, हमारी ट्रेन यहाँ पर काफ़ी देर रुकने वाली है और गोरखपुर के साइड से कोई सुपरफास्ट ट्रेन यहाँ से बिना रुके निकलने वाली है। और एक नज़र ज़रा इन प्लेटफॉर्म पर डालिए, वहाँ पर गायें और बैल किस तरह बैठे हुए हैं। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि सामने से आ रही ट्रेन कौन सी है। यह है गोरखपुर हैदराबाद एक्सप्रेस। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।